नमस्कार। पिछले वीडियो में समाजवाद पे डिस्कस किया था, इस वीडियो में उसी कड़ी में गिल्ड समाजवाद पे डिस्कस करेंगे। ऐसे समाजवादी जो समाज में समाजवाद गिल्ड के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है, गिल्ड का आशय उत्पादन की इकाइयों से है। गिल्ड में श्रमिक, प्रबंधक तथा उत्पादित इकाई के सभी व्यक्ति सदस्य होते हैं, क्योंकि गिल्ड में प्रबंधकों का चयन गिल्ड में श्रमिकों द्वारा होता है। गिल्ड की उत्पादन की इकाइयां यूरोप में मध्यकाल में प्रचलित थी, जिनको गिल्ड समाजवादी पुनः वापस लाना चाहते हैं। इसके द्वारा वे पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली को समाप्त करना चाहते हैं। गिल्ड ट्रेड यूनियन से भिन्न होती है। ट्रेड यूनियन और गिल्ड में दो अंतर प्रमुख हैं। पहला, गिल्ड में उत्पादन की इकाइयों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, जबकि ट्रेड यूनियन में केवल श्रमिक शामिल होते हैं, प्रबंधक नहीं। ट्रेड यूनियनों का मूल कार्य श्रमिकों के लिए आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करना होता है, जबकि गिल्ड में श्रमिकों को पूरे उद्यम पर मालिकाना हक प्राप्त होता है। गिल्ड समाजवादियों ने औद्योगिक लोकतंत्र की धारणा दी। औद्योगिक लोकतंत्र का अभिप्राय है कि समूचे उत्पादन करने वाले लोगों को औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधकों के चयन का अधिकार होगा। इसलिए गिल्ड समाजवादी औद्योगिक लोकतंत्र के माध्यम से आर्थिक लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र की पूर्व शर्त मानते हैं। ये प्रतिनिधित्व के परंपरागत सिद्धांत को छोड़ते हुए व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक किसी न किसी उत्पादन वाली विधियों में लगा हुआ है। इसलिए व्यक्ति के हितों के बजाय व्यवसाय के हितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए इनका प्रसिद्ध है कि श्रमिकों का प्रतिनिधित्व श्रमिक ही कर सकते हैं, जबकि व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व केवल व्यवसायिक कर सकता है। इनका प्रसिद्ध नारा है, मजदूरी नहीं बल्कि वेतन। ये राज्य को समुदायों का एक समुदाय मानते हैं, अतः ये राज्य को ज़्यादा शक्ति प्रदान नहीं करते, बल्कि सीमित राज्य या विकेंद्रित राज्य की संकल्पना देते हैं। इनके अनुसार अर्थव्यवस्था का संपूर्ण नियंत्रण गिल्डों द्वारा होगा, राज्य द्वारा नहीं। जीटीएच कॉल ने राज्य को कम्यून कहा है। गिल्ड समाजवाद श्रम संघवाद व फेबियन समाजवाद का बौद्धिक शिशु है। गिल्ड व्यवस्था की उत्पत्ति ब्रिटेन से हुई है, जिसका श्रेय एजी पेट्रे को जाता है। इनके अनुसार गिल्ड समाजवाद के अन्य मान्यताकार हैं जी हॉबसन, बर्टेंड रसेल, ए और ऑरेंज आदि। जीडीएच कॉल इसके सबसे बड़े प्रवक्ता हैं। पूंजीपति मालिक के लिए अच्छा काम करने का अर्थ चोर को अधिक सफलता के साथ चोरी करने में सहायता पहुंचाना। मुझसे इस बात का अनुरोध करना कि मैं किसी व्यक्ति को अपनी
समस्त समस्याओं के लिए प्रतिनिधि बनाने, मेरी बुद्धि का अपमान। अब नेक्स्ट है श्रम संघवादी समाजवाद। ऐसा समाजवाद जो ट्रेड यूनियन के माध्यम से प्राप्त किया जा सके। ट्रेड यूनियन पूंजीवादी व्यवस्था को मिटाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें निम्न इस प्रकार है। नंबर एक, इसमें श्रमिक धीमी गति से कार्य करते हैं। नंबर दो, तोड़फोड़। ट्रेड यूनियन कल कारखानों में तोड़फोड़ करते हैं। नंबर तीन, लेबलिंग। इसके अंतर्गत श्रमिक ऐसे उत्पादों पर अपना लेबल लगाते हैं जिसे अन्य श्रमिक न खरीदें। अंततः ट्रेड यूनियन आम हड़ताल के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश कर समाजवाद की स्थापना करते हैं। श्रम संघ का आशय ट्रेड यूनियन है। समाजवाद के श्रम संघवादी समाजवाद के अनुसार समाजवाद ट्रेड यूनियन के द्वारा लाया जाएगा। श्रम संघवादी समाजवाद में वर्ग संघर्ष के द्वारा समाजवाद प्राप्त किया जाएगा। यह है वर्ग संघर्ष ट्रेड यूनियन के द्वारा किया जाएगा। मार्क्सवादियों की भांति श्रम संघवादी समाजवादियों की भावना है कि समाज में पूंजीपति व श्रमिक वर्गों के मध्य संघर्ष पाया जाता है। श्रम संघवादी पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश ट्रेड यूनियन के द्वारा करना चाहते हैं, जिसके निम्नलिखित प्रकार। श्रम संघवादी जॉर्ज सारेल के विचार से प्रभावित है। इनकी पुस्तक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस। श्रम संघवादी वर्ग संघर्ष में विश्वास करते हैं। ये राज्य की समाप्ति करना चाहते हैं। ये मध्यम वर्ग को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। इनके अनुसार मध्यम वर्ग समाजवाद नहीं ला सकता है। ये लोग, ये संसद, विधायिका, लोकतंत्र सभी का विरोध करते हैं। ये राजनीतिक दलों का भी विरोध करते हैं। ये देशभक्ति की भी आलोचना करते हैं। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई में विश्वास करते हैं। थैंक्स। शेष अगले वीडियो में।